اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد अल्लाह ताला का बनाया हुआ ज़माना, साल महीने दिन और रातें घंटे और लम्हात ये गुज़रते जा रहे हैं और इंसान अपनी रविश पर चल रहा है। हर आदमी इस दौर में अकल परस्त बन गया है। एक चीज होती है अकल परस्ती, एक चीज होती है हवा परस्ती। ख्वाहिश नफसानी के मुताबिक जिंदगी गुजारना यह है हवा परस्ती। हवा अरबी का लफ्ज है, इसका माना है ख्वाहिश नफसानी। ख्वाहिश नफसानी में तो आदमी डूबता ही चला जाता है, जैसा कि नसारा ईसाई लोग मुब्तला हो गए और ख्वाहिश नफसानी में डूब गए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में नफ्स को पाक करने का हुक्म दिया है और उसकी मदह फरमाई है। जो आदमी ख्वाहिशात की पैरवी से बच जाता है वो कामयाब हो जाता है। قد افلح من تزكى, बेशक कामयाब हो गया वो शख्स जो पाक हुआ, ख्वाहिश नफसानी को छोड़ दिया। तो कुछ लोग बल्कि अक्सर लोग ख्वाहिश नफसानी में मुब्तला हैं और कुछ लोग अकल परस्ती में मुब्तला हैं। उनका मेजार, उनकी कसवट्टी और कसौटी कि जिस पर हर चीज को परखना है वो अकल है, तो दोनों बातें गलत हैं। ख्वाहिश नफसानी के पीछे चलना भी गलत है, हर बात अकल के मुताबिक सोचना भी और उस पर अमल करना भी गलत है। मेयार खरे और खोटे होने का या हक और बातिल का ना ख्वाहिश है ना अकल है, बल्कि कौन सी चीज है कि जिससे हक और बातिल का इम्तियाज हो, खरे और खोटे का फर्क हो। फरमाया खबीस और रद्दी और तय्यब चीज का फर्क हो। ये कौन सी चीज है कि जिसको हम मेयार बनाए वो है शरीयत मुताहरा। शरीयत मुताहरा असल चीज है, ना किसी की चाहत असल है ना किसी की अकल असल है, असल है शरीयत मुताहरा। तो दिन गुजरते जा रहे हैं और हमारी रविश जो मैंने बताई है, अकल कलील होंगे जो शरीयत को पसंद करते होंगे, बहुत कम होंगे जो अपनी जिंदगी में शरी अहकाम मालूम करके चलते होंगे, वरना इत्तिबाए हवा क्यामत की अलामत में से है कि लोग अपनी ख्वाहिश के पीछे चलेंगे
और अपनी अकल को ही सब कुछ कहेंगे। जाबो कुल्लेसी रायम बेरा ये है, हर अकल वाला कहेगा मुझसे अकलमंद तो इस जहान में है ही नहीं। ये दोनों अलामतें हदीस पाक में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जब से कुरान और हदीस का ये मुतारा किया है तो मुझे ये गलती समझ भी आई है, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी अपने बारे में मैंने नहीं सोचा कि मैं सबसे अकलमंद हूं, सबसे समझदार हूं। मेरे ख्याल के मुताबिक ये बहुत बड़ा धोखा है इंसान के लिए। तो असल चीज ना अकल है ना ख्वाहिश है, बल्कि असल चीज शरीयत मुताहरा है, असल चीज कुरान है, असल चीज हदीस रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असल चीज सहाबा है, और असल चीज अहले बैत इज़ाम है, और असल चीज फुकहा है और मुहद्दिसीन की जमात है। असल ये लोग हैं कि जिनकी पैरवी हमें करनी चाहिए और अपनी अकल या ख्वाहिश को बालाए ताक रख देना चाहिए। हमें तो कुरान और हदीस से या सहाबा या अहले बैत इज़ाम मुहद्दिसीन और फुकहा इकराम का कोई कौल या अमल नहीं मिला, हमें नहीं मिला कि जिसमें इन हजरात ने इस्लामी साल शुरू हो और उन्होंने जश्न मनाया हो, इस्लामी साल शुरू हुआ हो तो कोई जश्न मनाया हो, हमें ऐसी कोई रिवायत आज तक नहीं मिली। ना है इसलिए कि जश्नी लोग हम हैं, ये जमाना जश्नी है, वो अमली जमाना था, वो अमली लोग थे। हमारे और उनके दरमियान में क्या फर्क है, हम जश्नी हैं, वो थे अमली लोग। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, खतीबे बेबदल और खानदान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मो चराग फरमाया करते थे कि लोगों को ये सुन्नत तो बास को याद है कि प्लेट साफ करनी है, लेकिन ये सुन्नत भूल गए कि आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान उहद में हैं, और इब्ने कबीया एक बदबख्त शख्स है, वो पत्थर मारता है और हमारे नबी का दांत मुबारक शहीद हो जाता है। ये सुन्नत लोग भूल गए, और सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जिनको पाक नबी की जियारत, पाक नबी की बातें, पाक नबी के पीछे नमाजें और सहाबियत का आला मकाम हासिल हुआ है, इनकी कुर्बानियां देखें। मैदान उहद में सैयदुश्शुहादा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम के लिए जिस तरीके से कुर्बानी दी है और कुफार से लड़े हैं, आपका कलेजा निकाला गया है। कलेजा वहशी बिन हर्ब ने, जो बाद में सहाबी रसूल बने, हिंदा ने, ज़ौजा अबू सुफियान ने कलेजा चबाया है। कभी भी इन हजरात ने किसी मौके पर जश्न नहीं मनाया। इश्क रसूल में और इश्क खुदा में, इश्क बारी ताला में अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ये थे सच्चे लोग। इंशाल्लाह कभी ओहद को हम तफसीलन बयान करेंगे, लेकिन इस वक्त आपकी खिदमत में सिर्फ यही अर्ज करना है कि दीन हमारी ख्वाहिश नफसानी का नाम नहीं है, दीन हमारी अकल का नाम नहीं है, कुरान और हदीस में यार है खरे और खोटे के पहचानने का।